प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। अधिक मास पुरुषोत्तम मास है भगवान का। इस मास में हम सब लोगों को, जो हिंदू है उन लोगों के लिए बहुत महत्व का ये महीना है। उसमें संयम नियम लिए जाते हैं जो जिंदगी के लिए, आगे अपनी जिंदगी की सफर के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। इससे हमारे आत्मा का भी कल्याण होता है और जिस चीज भगवान ने जिस चीज के लिए, मतलब जिस हेतु के लिए हमको जन्म दिया है, उस हेतु को पार पाने के लिए ये महीने में भगवान ही खुद ये महीने में हाजिर ना हाजिर होते हैं। तो उनको, जैसे कि मुस्लिम भाइयों कैसे रोज़ा रखते हैं और वो उसको रमज़ान कैसे पवित्र होता है, ऐसे ही ये पवित्र मास में हम सब लोग को ये बहुत ही पुण्यदान करने का और अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए एक मौका मिलता है उससे। और ये सद्गुरु भगवान की कृपा से पूज्य हमारे कानदास बापू और पूज्य परब का भी, पूज्य राजेंद्र दास बापू और रामदेव जी महाराज हमारे इष्ट देव की कृपा से ये अवसर मिला है। ये अवसर ऐसे नहीं मिलता है, कुछ गुरु कृपा, माँ बाप की कुछ सेवा होती है तो उसका आशीर्वाद से ये सब अपना जो हो पार पड़ता है और वो अपने हिस्से में आता है। तो जय भागवत, जय श्री कृष्णा। सभी भाविक भक्तों को हमारी ओर से वसुदेव वस्तम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु, यही मंत्र के साथ पूरे जगत के गुरु कृष्ण भगवान को माना गया है और उन्हीं का यह भागवत महीना है और इनका भी यह पुरुषोत्तम महीना है। तो पुरुषोत्तम महीने में हम जितना भी पुण्य कर सके उसका 3 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। तो ये हमारे समस्त प्रवासी भजन मंडल, जितनी भी भजन की गाड़ियाँ चलती है, वो गाड़ियों के सभी मंडलों ने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये भागवत भगवान का यहाँ पे भागवत महापुराण का आयोजन किया है, जिनके वक्ता है हमारे संजय भाई भट्ट जो जूनागढ़ के हैं, हमारे मुख्य यजमान है हिरजी भाई और हम हैं शास्त्री जी हितेश भाई जोशी, मेरे साथ निर्मल भाई और विपुल भाई है। बापू का सहयोग खूब ही प्राप्त हुआ है और यहाँ पे वामन जन्म, नरसिंह जन्म, कृष्ण जन्म, राम जन्म का सभी एकदम धामधूम से आयोजन किया हुआ है। सभी के लिए, अधिक मास होने के लिए जितने भी भाविक आते हैं उनके लिए फराल की व्यवस्था सब किया गया है और इसी प्रकार ये आश्रम का हमें खूबी सहयोग मिलता है। जय भागवत, जय श्री कृष्ण। ये जो कार्यक्रम है समस्त प्रवासी, समस्त रेलवे प्रवासी भजन मंडल द्वारा ये आयोजित किया गया है। इस आयोजन करने का हेतु एकता का है। हम जितने भी मध्यम वर्गीय, इसमें जितने भी प्रवासी भजन मंडल में जो जितने भी हमारे सहयोगी है, जितने भी मंडल है, उनकी सेवा अगर आप देखा जाए तो रात को जब ठंड होती है तब गरीबों को धाबड़ा ब्लैंकेट देना और गले, अभी आज की तारीख में भी रोज़ 125 गरीबों को रोज़ सवेरे शताब्दी हॉस्पिटल में राम रोटी के नाम से जो चलता है, ये सब हमारी वेस्टर्न रेलवे प्रवासी भजन मंडली, इनके द्वारा, ये सबके सहयोग के द्वारा ये सब हो रहा है। तो हमारा सबसे यही निवेदन है और हमारा एक ही उद्देश्य है कि जितने भी हो सके हम एक है, हम आत्म तत्व सब में एक है, हमारा सबका कर्तव्य एक करना है, सबको आत्म तत्व मान के चलना है और भागवत भगवान का श्रवण करके अपने आत्मा का कल्याण करने के लिए हमें भागवत भगवान ने इतना अवसर दिया है, उनका श्वासोश्वास से हमको उनका वो करना है। तो हमारे संतों ने जो कहा है कि श्वासोश्वास सुमरण कर, मिथ्या श्वास मत खो, कौन जाने इस श्वास की फिर आवन जावन ना हो। तो हम वेस्टर्न लाइन में जितने भी प्रवासी भजन मंडल चलते हैं, जो ट्रेन में अपने प्रवास दरमियान एक घंटे का जो प्रवास होता है, इसमें एक घंटे के दरमियान जो भी भजन हम करते हैं ट्रेन में, तो वो सब जितने भी मंडल है वो काफ़ी अच्छी सहाय भी करते हैं। जैसे कि स्कूल के टाइम पे, स्कूल जब रीओपनिंग होती है उस टाइम पे नोटबुक, पुस्तक, बुक्स सब जो वितरण भी करते हैं, किसी को मेडिकल हेल्प भी करते हैं और किसी को, कोई गरीब हो उसको भी काफ़ी सारी आर्थिक मदद भी करते हैं।
और ये एकता का संदेश है और कोई इसमें हेतु है नहीं कि एकता का संदेश है कि ऐसे पवित्र महीने में कि हम अपने ईश्वर का प्रभु का नाम लें और एक हफ्ता हम यहाँ पर सत्संग करेंगे, भजन करेंगे और भंडारा करेंगे। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।